नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में हर 200 किलोमीटर पर बनेगा नया एयरपोर्ट। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के कबड्डी प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। बिहार में कई आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने विराट कोहली। अब खबरें विस्तार से। बिहार में हर 200 किलोमीटर पर बनेगा नया एयरपोर्ट। बिना दिन बिहार में हवाई यात्रा की सुगमता को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी हिस्से से अधिकतम 200 किलोमीटर के दायरे में एक एयरपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में नए एयरपोर्ट बनेंगे, जिससे आम जन को हवाई यात्रा की सुविधा मिल पाएगी। मुख्यमंत्री ने पटना के बेहटा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना पर तेजी से काम करने का निर्देश भी दिया। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए भू अर्जन काम की गति को तेज करने की भी बातें कही। उन्होंने पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बचे हुए काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस की दी बधाई। आज देश भर में शिक्षक दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आज के दिन को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। समाज और राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य के शिक्षकों को शिक्षक दिवस पर बधाई एवं शुभकामनाएं। बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पटना से टाटा नगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत इसी महीने से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को इस प्रीमियम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दिन देवघर से वाराणसी और टाटा नगर से ओडिशा के बरहमपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन की शुरुआत की जाएगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के संचालन की पूरी तैयारियां कर ली है। विशेष बात यह है कि वाराणसी से देवघर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन गया होकर गुजरेगी। 10 साल में बने बिहार के सभी पुल पुलियों की होगी जांच। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बने सभी पुल और पुलियों की NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की शर्तों की जांच कराने का आदेश दिया है। जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में अपने क्षेत्रीय अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में पुलों और डाइवर्जन के बह जाने की दर्जनों घटनाएं सामने आई, जिसके चलते नीतीश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुलों और पुलियों के निर्माण की सभी शर्तों की जाँच की जाएगी। जाँच की जिम्मेदारी विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता के अलावा केंद्रीय रूपांकन, शोध एवं गुणवत्ता नियंत्रण के मुख्य अभियंता को दी गई है। बिहार में कई आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। नए डीजीपी आलोक राज ने कार्यभार संभालते ही 14 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश जारी किया है। इस बदलाव के तहत मुजफ्फरपुर क्षेत्र के आईजी के पद पर तैनात शिवदीप वामन राव लांडी का ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें पूर्णिया का आईजी बनाकर भेजा गया है। दरभंगा के डीआईजी बाबूराम को, मुजफ्फरपुर का डीआईजी नीलेश कुमार को छपरा का डीआईजी पूर्णिया में तैनात, डीआईजी विकास कुमार को बेगूसराय में डीआईजी बनाकर भेजा गया है। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे शालीन को BMP का IG बनाया गया है। इसी के साथ ही कई IPS अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को मिलेगा प्रधानाध्यापक का प्रभार। बीते दिन शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत जिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा के पुराने वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक नियुक्त हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने आदेश जारी किया है कि इन विद्यालयों में जहां पुराने वेतनमान वाले प्रधानाध्यापक के साथ अन्य नियोजित या बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षक भी पदस्थापित हैं, वहां वित्तीय प्रभार के साथ इन प्रधानाध्यापकों को प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित किया जाएगा।
बिहार के कबड्डी प्रेमियों के लिए बड़ी खबर। बिहार के कबड्डी प्रेमियों के लिए खबर है। बता दें कि प्रो कबड्डी लीग के सीजन 11 के मुकाबले इस बार पटना में नहीं होंगे। बता दें इस नए सीजन की शुरुआत 18 अक्टूबर को हैदराबाद के गाचीबोली इंडोर स्टेडियम से होगी। पीकेएल के आयोजकों के अनुसार इस बार लीग का आयोजन देश के 3 शहरों हैदराबाद, नोएडा और पुणे में होगा। पहला चरण जो है 18 अक्टूबर को हैदराबाद में, दूसरा चरण 10 नवंबर को नोएडा में और तीसरा चरण 3 दिसंबर से पुणे में खेला जाएगा। प्ले ऑफ की तारीखें और स्थान बाद में घोषित किए जाएंगे। पटना पायरेट्स का अभ्यास सत्र जो है 14 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें बिहार के 3 खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। पत्रकार प्रकाश कुमार बने बिहार के सूचना आयुक्त, आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा बने सूचना आयुक्त। बीते दिन वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश कुमार और पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से दोनों की नियुक्ति की अधिसूचना जो है जारी कर दी गई है। बता दें कि यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच एक महत्वपूर्ण मंत्रणा के बाद लिया गया। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को राजभवन को भेजा और राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही अधिसूचना जारी कर दी गई। बता दें कि ब्रजेश मेहरोत्रा ने 31 अगस्त को मुख्य सचिव के पद से सेवा निवृत्त हुए थे और प्रकाश कुमार लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। इन दोनों की नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि राज्य सूचना आयोग में एक नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। अंतिम चरण में पटना गया डोभी फोरलेन हाईवे निर्माण का काम। पटना गया डोभी फोरलेन हाईवे पर आगामी माह से फराटेदार रफ्तार की उम्मीद जताई जा रही है। इस फोरलेन का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सड़क निर्माण का अधिकांश जो काम है पूरा हो चुका है और केवल जहानाबाद और गया में आरओबी का निर्माण बाकी है। फिलहाल आरओबी को टू लेन सड़क के रूप में चालू कराने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। परियोजना निदेशक अब्दुल कादिर ने बताया कि साल के अंत तक डोभी से पटना तक फोर लेन के तीनों पैकेज का काम जो है पूरा हो जाएगा। गया और जहानाबाद में आरओबी के निर्माण काम की प्रगति तेज है और इस माह के अंत तक टू लेन सड़क चालू हो जाएगी। दिसंबर तक पूरे प्रोजेक्ट की पूरा होने की संभावना है। पटना गया और बक्सर में नए स्टेशन की मिली मंजूरी। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत 3 प्रमुख स्टेशनों के लिए स्थान निश्चित कर लिए गए हैं। ये स्टेशन पटना के बेहटा, गया के मानपुर और बक्सर के हुकाहा में बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की विभागीय समिति ने इन तीनों स्थानों पर स्टेशन निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और आरा में एक अतिरिक्त स्टेशन बनाने की अनुशंसा भी की है। इन स्टेशनों के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि अर्जन और अन्य प्रशासनिक कार्रवाई संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा की जाएगी। आदेश की अवहेलना करने पर डेहरी थानाध्यक्ष की वेतन पर लगी रोक। बिहार के बक्सर में अपर जिला जज 13 प्रमोद कुमार पांडे की अदालत ने डेहरी थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने 3 मामलों के अनुसंधानकर्ताओं पर 2,000 रुपए का स्थगन व्यय हर्जाना भी लगाया है। अदालत का ये निर्णय तब आया जब डेहरी थानाध्यक्ष और उनके अनुसंधानकर्ताओं ने अदालत के आदेशों का बार बार उल्लंघन किया। अदालत ने 3 मामलों में केस डायरी और आपराधिक इतिहास की मांग की थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर इन दस्तावेजों की पेशकश नहीं की गई। मेट्रो से जुड़ा जाएगा पटना का एयरपोर्ट। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मेट्रो से जोड़ने की योजना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोर दिया है। बीते दिन हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि हवाई अड्डे पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए पटेल चौक से हवाई अड्डा चौक तक पथ के चौड़ीकरण और अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही पटेल चौक से इको पार्क तक नाले को पक्का कर फोर लेन सड़क का निर्माण भी किया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुरेश कुमार ने बताया कि 1400 करोड़ रुपये की लागत से बन रही एयरपोर्ट डेवलपमेंट परियोजना को अगले 5 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तेजस्वी लालू पर जमकर बरसे उपेंद्र कुशवाहा। शिक्षक दिवस के अवसर पर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव पर
तीखा हमला किया। कुशवाहा ने कहा कि भले ही लालू और तेजस्वी सिर के बल खड़े हो जाएं, लेकिन उन्हें कुशवाहा या गरीब शोषित लोगों का साथ नहीं मिलेगा। उनका आरोप है कि लोगों ने उनकी सरकार के दौरान क्या हुआ ये सब देखा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा पर भी निशाना साधा और कहा कि जितना ज्यादा तेजस्वी लोगों के संपर्क में आएंगे उतना ही उनके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगे। तेज प्रताप यादव की आवास पर श्रीमद भागवत कथा का आयोजन। बीते दिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर श्रीमद भागवत कथा का भव्य आयोजन किया। इस धार्मिक आयोजन में उनके पिता लालू प्रसाद यादव, सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। बता दें कि ये आयोजन तेज प्रताप यादव द्वारा चौथी बार आयोजित किया गया है। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस कथा का उद्देश्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव की सेहत और भाई तेजस्वी यादव के साथ साथ पूरे बिहार की खुशहाली के लिए किया गया है। सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय क्रिकेटर बने विराट कोहली। विराट कोहली ने इस साल सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले खिलाड़ी का तमगा अपने नाम कर लिया है। फॉर्च्यून इंडिया की हालिया लिस्ट के अनुसार T20 वर्ल्ड कप 2024 के चैंपियन कोहली ने 66 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। हालांकि विराट कोहली भारतीय सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने के मामले में 5वें स्थान पर रहे। सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले टॉप 4 सेलिब्रिटीज में शाहरुख खान, तमिल एक्टर विजय, सलमान खान और अमिताभ बच्चन शामिल है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, मोहम्मद अरमान, रवि मोहन वर्मा, मुन्ना कुमार राम, बाबूलाल मरांडी, राजकिशोर महतो, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, जूली पटेल, नौशाद रजा, संजीव कुमार, मोहम्मद अजमेर, रवि कुमार राम। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है आपके जीवन में आपके सबसे प्रेरणादायक शिक्षक कौन रहे हैं और क्यों। इसका जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए आप देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।